विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र इकाई एक से संबंधित टॉपिक गिफिन वस्तुएं पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार रवि, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र शासकीय महाविद्यालय पिथौरा। तो गिफिन वस्तुएं क्या है, गिफिन गुड्स जिसको कहा जाता है, तो गिफिन वस्तुएं क्या है, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। और उससे पहले अपन जान लेते हैं कि गिफिन गुड्स जो है उसका अवधारणा कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसा है। तो गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तुएं जो है इसको निकृष्ट अथवा घटिया किस्म की वस्तुएं कही जाती है। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग गरीब व निर्धन लोग करते हैं, क्योंकि इनकी आय बहुत ही कम होती है और निर्धन वर्ग जो है बाजार में प्रचलित कीमत पर अच्छे किस्म के वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ रहते हैं। अर्थात वो पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त नहीं करने के कारण वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण वे गिफिन वस्तुएं अधिक मात्रा में खरीद कर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया करते हैं। इस अवधारणा को सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री गिफिन ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको गिफिन का विरोधाभास भी कहा जाता है। गिफिन का विरोधाभास मांग के नियम का अपवाद है। देखते हैं कैसा अपवाद है ये। तो गिफिन ने एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, या अपने अवधारणा को वो एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो उदाहरण में लिया गया है कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं ज्वार या बाजरा, कोदो कुटकी जो होती हैं, वो गेहूं और चावल के तुलना में घटिया किस्म की अनाज मानी जाती है। चूंकि बाजार में गेहूं चावल की कीमत जो है ऊंची होती है, इसलिए निर्धन वर्ग जो है कम आय से अधिक मात्रा में गेहूं चावल खरीद नहीं सकते हैं। अतः इनकी आय निश्चित होने के कारण उत्कृष्ट वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर निकृष्ट वस्तुएं अधिक मात्रा में खरीद कर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया करते हैं। इसी प्रकार यदि निकृष्ट व घटिया किस्म की वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाने पर निर्धन वर्ग उत्कृष्ट व अच्छे किस्म की वस्तुएं खरीदने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ये समझने की बात है। मान लीजिए घटिया व निकृष्ट वस्तुओं की कीमतें जब गिर जाती है, तो उस स्थिति में निर्धन वर्ग जो है क्या करता है, अच्छे किस्म की वस्तुओं को खरीदने के लिए सक्षम हो जाते हैं और वो अच्छे किस्म के वस्तुएं खरीद कर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और अपने रहन सहन को व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार निकृष्ट घटिया वस्तुओं की कीमतों में कमी होने पर भी उनकी मांग में वृद्धि नहीं होती, बल्कि मांग में कमी आ जाती है। यहाँ पर देखने की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है कि मान लीजिए निकृष्ट वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाती है, तब भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती। निकृष्ट या घटिया वस्तुओं के कीमतों में कमी आ जाने के बाद भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उसकी मांग में कमी आ जाती है और मांग का नियम लागू यहां पर नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जाता है कि गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आप लोग को कि गिफिन वस्तुएं या घटिया किस्म की वस्तुएं में या वस्तुओं में मांग का नियम जो है लागू नहीं होता है, क्योंकि इनकी कीमतों के गिरने के बाद भी लोग उसकी मांग को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि वो उसके बजाय में जो बचत प्राप्त होता है उनको, उसको अच्छे किस्म की वस्तुओं को खरीद कर वो अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। तो इस अवधारणा को गिफिन ने एक काल्पनिक रेखा चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है, जिसको ब्लैक बोर्ड में बनाया गया है। एक काल्पनिक रेखा चित्र है। अब रेखा चित्र में देखते हैं, रेखा चित्र में वो एक्स अक्ष पर जैसे गिफिन वस्तुएं दी हुई है और ओ वाई अक्ष पर गेहूं या चावल,
गेहूं या चावल की मात्रा दी हुई है। तो यहां पर देखते हैं कि चावल को दिखाया गया है MN, M1, N1 एवं M2, N2 के द्वारा। चावल को किसके द्वारा दिखाया गया है, उसकी कीमत रेखा को MN, M1, N1, M2, N2 के द्वारा दिखाया गया है। जो आय बढ़ने पर समांतर दाहिनी ओर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आय बढ़ते जाती है वो दाहिनी ओर ऊपर की ओर उठती जाती है। अब देखिए रेखा चित्र में यहां पर IC1, IC2, IC3, IC1, IC2, IC3 जो है उपभोक्ता का उदासीनता वक्र है, क्योंकि IC1, IC2, IC3 क्या है, उपभोक्ता का उदासीनता वक्र है। तथा E1, E2, E3 यहां पर देखिए E1, E2, E3 E1, E2, E3 उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है। तो यहां पर E1, E2, E3 बिंदुओं पर उदासीनता वक्र एवं कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती है। तीसरा बिंदु है रेखा चित्र में, तीसरा स्थिति है रेखा चित्र में स्पष्ट है कि E1 साम्य बिंदु पर, किस बिंदु पर, E1 साम्य बिंदु पर ज्वार बाजरा निकृष्ट कोटि की वस्तु की मांग OL के बराबर है। OL के बराबर है किस बिंदु पर, E1 बिंदु पर ज्वार बाजरा या कोदो कुटकी की मांग कितनी है, OL के बराबर है। क्लियर है, ई बिंदु पर जहां पर IC1 जो है कीमत रेखा को स्पर्श कर रही है। उसी प्रकार से E2 साम्य पर, E2 जब साम्य बिंदु पर आता है तो वहां पर देखिए मांग में कमी होकर O के रह जाता है। यहां पर O के हो रहा है। इसी प्रकार पुनः आय बढ़ने पर E3 साम्य पर मांग घटकर कितनी हो जाती है, OJ के बराबर। पहले कितना था E1 पर, OL था, फिर E2 पर OK हो गया, पुनः आय बढ़ने पर OJ हो गया। तो इस प्रकार या इसीलिए IC आय उपभोग वक्र की ढाल नीचे से ऊपर की ओर खिसकती हुई होती है। मतलब जैसे जैसे यहां पर कीमतें बढ़ती जा रही है, मान लीजिए, या घटती जा रही है, कीमतें घटती जा रही है इसकी, तो मांग में वृद्धि ना होकर घटती जा रही है। एल से के में आया, के से जे में आया, पहले ओ एल था, फिर कीमतें घटी, ओ के हो गया, अब ये ओ जे हो गया। तो इस बात को स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता व निर्धन वर्ग की आय बढ़ने पर एवं निकृष्ट वस्तुओं की कीमत घटने पर भी उत्कृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है, जिसे रेखा चित्र में OM1 तथा OM2 के द्वारा दिखाया गया है। और इसको आप समझ सकते हैं, इसे ही गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है, अर्थात गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस बात को समझ लेना है कि घटिया या निकृष्ट वस्तुएं जो हैं क्या कहलाती हैं, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं, और इनकी कीमतों में गिरावट आने पर भी इसकी मांग में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, बल्कि निर्धन वर्ग क्या करते हैं, अगर निकृष्ट वस्तुओं की कीमतें जब गिर जाती है तो उनको बचत का एहसास होता है। पहले 10 रुपए में जैसे खरीद रहा था वो निकृष्ट वस्तु को, मान लो 8 रुपया हो जाता है, तो 8 रुपया होता है तो उसको ऐसा लगता है कि 2 रुपया मेरा बचत के रूप में है। पुनः घटकर अगर 6 रुपये होता है तो उसका बचत 4 रुपये बढ़ जाता है। पुनः अगर 4 रुपये कीमत घट जाता है किसी वस्तु का कीमत, तो उसको फिर 6 रुपये का बचत होता है। तो 6 रुपये जो बचत होता है तो उसको क्या मानते हैं, उपभोक्ता की आय में वृद्धि माना जाता है।
तो उपभोक्ता की आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो वो क्या करता है, निकृष्ट वस्तुओं को छोड़कर वो उच्च कोटि की वस्तुओं को खरीदने के लिए सक्षम हो जाता है। इसी को कहा जाता है गिफिन का विरोधाभास। और गिफिन वस्तुओं में हमेशा ध्यान रखना है आप लोग को कि गिफिन वस्तुओं में कभी भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से ये अध्याय आज यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय को आप लोगों को अपने मित्रों को व्हाट्सएप करना है, भेजना है, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।